खबर मुरादाबाद से है, जहां पर एक जाने माने पीतल निर्यातक, समाज सेवक व सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन अकरम शमसी का आकस्मिक कारणों से निधन हो गया, जिसके चलते पूरे मुरादाबाद में शोक की लहर देखने को मिली। वहीं वार्ड नंबर 46 के ईदगाह के पार्षद अहमद हुसैन ने बताया कि वह एक मशहूर पीतल निर्यातक थे, एक कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति थे। उनका सामाजिक कार्यों में योगदान अमूल्य रहा। बोलो सर, क्या नाम है आपका? अहमद हुसैन। मैं सिविल डिफेंस लाजपत नगर डिप्टी पोस्ट गार्डन और ईदगाह से पार्षद भी हूँ। आज बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है, अकरम शमसी साहब जो सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन भी थे, उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अपनी हमने बहुत ही बड़ा मुरादाबाद जो नगर नागरिक सुरक्षा के मुरादाबाद के चीफ वार्डन थे, उनको बहुत खोया है, जो कि गरीबों के हमदर्द थे और हर जगह मदद करते थे। वो एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका कार्यकर्ता के रूप में भी एक सामाजिक लोगों में योगदान देता था जी। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा था, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे और समय समय पर गरीबों की मदद करते थे और प्रशासन की भी मदद करते थे, क्योंकि प्रशासन से जुड़े हुए थे, नागरिक सुरक्षा के चीफ वार्डन थे और हर जगह हमें निर्देश दिया करते थे, क्योंकि हम सेक्टर वार्डन या पोस्ट वार्डन, डिप्टी पोस्ट वार्डन, ICO जितने भी लोग थे हमारे इस संस्था से जुड़े हुए, सबको दिशा निर्देश दिया करते थे। हम उनकी प्रेरणा लेते थे और हमने एक बहुत ही अपने कुशल कर्मठ प्रसाद, अपने एक जुझारू हमारे बुजुर्ग भी थे और हमारे शहर मुरादाबाद की ऊंची हस्तियों में थे, निर्यातक भी थे, बड़ा अच्छा उनका योगदान रहता था। आपका कहना है कि आपने एक अमूल्य व्यक्ति को खोया है? जी, हमारा ये कहना है कि हमने एक अमूल्य व्यक्ति को अपने बीच से जो है खो दिया, जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। कोविड महामारी का एक भारी प्रकोप इस वक्त जनता पर है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, बस मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि घरों में रहें और बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलें और बिना मास्क के ना निकलें। जब भी बाहर जाएं, कुछ ज़रूरी काम से जाएं और भीड़ भाड़ में ना रहें, भीड़ से बचकर रहें, मास्क का प्रयोग करें, दो गज की दूरी बनाए रखें। और जैसा ये 3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन है, इसमें तो बिल्कुल ना निकले घर से, क्योंकि सरकार की बहुत ही यही अपील है कि आप लोग घर में रहें और स्वस्थ रहें। मुरादाबाद से परवेज आलम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।